भोले के जय जयकारों से गूंजा हरिद्वार हाईवे। मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे पर कई दिनों से चल रहा भोले के भक्तों का काफिला, जो कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं भोले के दर्शन कर अपनी अपनी मन्नतें मांगकर कांवर लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो कि कांवरियों के स्वागत एवं जल भोजन के लिए जहां तहां रोडों पर कैंप लगाकर कांवरियों का स्वागत किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं? ग्राम मरंगा। कहाँ तक जाना? शिव मंदिर ग्राम मरंगा। कितने किलोमीटर का सफर तय करना? पचास। कब से चले गए वहाँ से? मंगलवार से। कब तक पहुँचेंगे घर पर? बुधवार तक। क्या नाम है आपका? प्रदीप बिश्नोई। कहाँ के रहने वाले? एक कांवरियों का कैंप स्वागत के शुभ अवसर पर भोले के सभी भक्तों को विशाल भंडारा लगा रखा है। सभी उसमें सूजी का हलवा है, दाल चावल है और चाय है, खीर है, ठंडाई है। सभी सभी भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और सभी को सेवा कर रहे हैं। कब से लगाया, कब तक रहेगा ये? करीब होने वाले 15 दिन। कब तक चलेगा? अब ये लास्ट सोमवार तक चलेगा। मुरादाबाद के थाना भगतपुरा क्षेत्र के खेत में एक युवती का शव मिला था। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा करते हुए मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मृतका गजरौला की एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। एक दिन पहले ही मृतका अपने बुआ के घर मेहमानदारी करने आई थी। युवती की गला घोट कर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने उसका शव मानपुर चौकी क्षेत्र स्थित जंगल में फेंक दिया था। थाना भगतपुर क्षेत्र की पुलिस चौकी मानपुर के गांव सिरसवा हरचंद निवासी तेजपाल अपनी पत्नी के साथ बीते गुरुवार की सुबह खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने के गया था। वहां उसने युवती का शव पड़ा देखा। सूचना पाकर भगतपुर एसओ कोमल सिंह मौके पर पहुंचे और सिरसवा हरचंद मानपुर निबाड़ खास परसुपुरा समदा चतुर्भरुज थिरियादान डांडी दुर्जन सहित आसपास सभी गांव के लोगों से युवती के शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। चौकीदार ने गांव के आसपास के गांवों में भी फोटो दिखाया, तब मृतका की बुआ चमेलिया ने फोटो के जरिए शव की शिनाख्त कर ली। बताया कि अनीता पुत्री पप्पू निवासी मझरा गोंगरपुर थाना भोजपुर की रहने वाली है। बुआ के मुताबिक अनीता गजरौला में निजी कंपनी में नौकरी करती थी। माता पिता और छोटा भाई अंकुल टाइल्स पत्थर का काम हिमाचल में करते हैं। अनीता बीते सोमवार को उनके घर पर मेहमानदारी के लिए आई थी। रात में खाना खाकर सो गई। सुबह उठे तो अनीता गायब थी। काफी तलाश की लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। एसपी देहात उदय शंकर सिंह ने बताया कि युवती की हत्या उसके प्रेमी दिनेश सैनी द्वारा की गई है। यहाँ दोनों आपस में दूर के रिश्तेदार भी हैं। युवती के ऊपर प्रेमी शक करता था, जिसको लेकर उसकी हत्या कर दी गई। सर, जो कल जो भगतपुर में हत्या हुई थी, क्या मामला? कल दिनांक 8 अगस्त को प्रातः लगभग 5:30 और 6 के मध्य भगतपुर के निवाड़ खास गांव के क्षेत्रांतर्गत एक गन्ने के खेत में एक युवती का शव मिला, जिसकी शिनाख्त अपराह्न में हो गई और पुलिस के द्वारा गहराई से छानबीन करने के उपरांत ये प्रकाश में आया कि उसकी हत्या उसके प्रेमी दिनेश के द्वारा की गई थी। उसके चरित्र पर शक करने के कारण दोनों ही मृतिका और इस केस के अभियुक्त एक अलग अलग कंपनी में मार्केट रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं और आपस में दूर के रिश्तेदार भी हैं। जो वर्तमान में मृतिका
का प्रेमी है उसको इसके चरित्र को लेकर शक हुआ, जिसके कारण आपस में इनमें कुछ बातचीत हुई। तदुपरांत उसके दुपट्टे से उसका गला दबाकर उक्त तथाकथित प्रेमी के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई।